हेलो गाइस, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिनट्स टू लर्न में। दोस्तों, आज हमारे यूट्यूब चैनल में हम आपको जो सिखाने जा रहे हैं वो आपने बचपन में बहुत बार खेली होंगी। दोस्तों, आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है पेपर गेम्स। जी हाँ, पेपर गेम्स तो बहुत बार खेली होगी आपने अपने बचपन में, लेकिन आज किस किस को याद रहती है ये पेपर गेम्स। तो दोस्तों, हमारे पेपर गेम्स में आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है गेम सबसे पुरानी, जो सबको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती थी खेलनी, आज भी लोगों को अच्छी लगती है खेलना। तो दोस्तों, हमारी जो पेपर गेम है उसका नाम है राजा रानी चोर सिपाही। जी हाँ, राजा रानी चोर सिपाही, नाम सुनते आपको अपना बचपन याद आ गया होगा। तो इसी बचपन को दोहराते हुए आज हम आपको बताएंगे इसके खेलने का तरीका और इसका स्कोर बोर्ड कैसे बनता है, और इसके बारे में हम आपको देंगे पूरी डिटेल। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे एक ब्लैंक पेपर। दोस्तों, आपके पास जो भी ब्लैंक पेपर अवेलेबल हो आपके घर पे, आप वो ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बनाई है 4 चिट्स। जी हाँ, 4 चिट्स हैं जिनमें मैंने उनका नाम और स्कोर के साथ लिखा हुआ है। पहला है राजा, जो है 10,000। दूसरा है रानी, जो है 5,000। तीसरा है चोर, जो है 0। और चौथा है सिपाही, यानी कि 2,500। दोस्तों, आप ये जो गेम है आप 4 से ज्यादा प्लेयर्स के साथ खेल सकते हैं। अब आप वो सोचेंगे कि कैसे, अब राजा रानी चोर सिपाही तो 4 नाम होते हैं। दोस्तों, 4 नाम के बाद और 4 नाम ऐड होते हैं। पांचवा नाम है वजीर, छठा नाम है गुप्तचर, सातवां नाम है रसोईया और 8वां नाम है खजांची। दोस्तों, आप चाहें तो 5 प्लेयर्स भी खेल सकते हैं, 6, 7 और 8। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे इसके खेलने का तरीका। यहाँ पे मैंने आपको पहले दिखा दिया था ब्लैंक पेपर जिसकी मैंने चिट्स बनाई। अब जो दोस्तों जो हम चिट्स बनाते हैं उन चिट्स को हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे फोल्ड करके दिखाती हूँ, इसी तरीके से बाकी की जो चिट्स हैं वो भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों, आप मान लीजिए, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अब हमारे पास हैं प्लेयर्स ए, बी, सी और डी। तो हम में से कोई भी एक प्लेयर है वो इन चिट्स को ऐसे हाथ में हिला के इसको इस तरह से फेंकेगा। फेंकने के बाद ये 2 ने 3 ने 4 ने उठा ली। अब इसमें से किसी के पास होगा चोर, किसी के पास होगा राजा, किसी के पास होगी सिपाही और किसी के पास होगी रानी। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम जो गेम का ट्विस्ट है वो कैसे आएगा, वो आएगा सिपाही से। दोस्तों, जो सिपाही है ना उसे ढूंढना पड़ेगा चोर को। तो अब अगर सिपाही ने सही अंदाजा लगा दिया, उसने चोर को ढूंढ लिया, तो उसका जो स्कोर है वो हो जाएगा डबल, यानी कि 2,500 से हो जाएगा 5,000। लेकिन अगर दोस्तों अगर सिपाही ने गलत ढूंढ लिया तो चोर का स्कोर हो जाएगा 2,500, यानी कि जो 0 है वो जाएगा सिपाही के पास। तो इसमें फायदा होगा चोर का और जो नुकसान में जाएगा वो होगा सिपाही। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि स्कोर बोर्ड कैसे बनता है। ये लिया ब्लैंक पेपर, जहां पे मैंने यहाँ पे स्कोर शीट एक बनाई हुई है, जहां पे मैं आपको दिखा रही हूं मैंने 10 तक का नंबर्स बनाया है, क्योंकि हमें नहीं पता हम कितनी बार ये गेम को खेलेंगे। तो यहाँ पे है स्कोर ए का, बी का, सी का और डी का। यहाँ पे जो फर्स्ट हमने गेम खेली थी उसका स्कोर आता है ए का 10,000, बी का 5,000, सी का 2,500 और डी का 0, यानी कि इसके पास था चोर। अब दूसरा जो हमने गेम खेला उसमें मिला ए को 5,000, बी को मिला 10,000, सी को मिला 0, यानी कि वो था चोर, और डी को मिला 2,500। दोस्तों, यहाँ पे और एक बात, जो भी हम स्कोर यहाँ पे लिखते हैं उन स्कोर को बराबर से टोटल करके, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं नीचे जो ए का स्कोर बनता है वो है 60, यानी कि 60,000। तो दोस्तों, आपको ये तो पता चल गया कि सबसे कम जो स्कोर है वो है डी का, और हमारा जो विनर है उसका स्कोर है 60,000। तो दोस्तों, आपको इसी तरीके की एक शीट
तैयार करनी होगी खेलने के लिए, जहां पे आपको पता चल सके कि किसने कितना स्कोर बनाया है, उसके बाद विनर आपको इसमें से ही निकालना है। तो दोस्तों ये जो हमारी गेम थी पेपर गेम, जो आपने बचपन में बहुत अच्छे से खेली है, आई होप कि आपने इस गेम को बहुत अच्छे से समझ लिया है और आपको ये गेम को देख के आपको अपना बचपन जरूर याद आया होगा। तो दोस्तों फिर हम आपके लिए लाएंगे ऐसी ही पुरानी गेम्स जिनको आप भूल चुके हैं, लेकिन हम आपको हमेशा याद कराएंगे और सिखाएंगे आपको उसके खेलने के तरीके। तब तक दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और कमेंट में आप ये भी लिखिएगा कि आपको इसके बाद और कौन सी गेम्स देखनी है जो आप भूल चुके हैं, आपको नहीं पता उसके खेलने के तरीके, और हम आपको बताएंगे इसके खेलने के तरीके। बाय बाय।